खिसारी लाल यादव और भोजपुरी अभिनेत्री कि खिसारी और यामिनी सिंह के बीच इन दिनों जो भी विवाद भी चल रहा है जो भी झगड़े चल रहे हैं इन दोनों के बीच जिस भी कारण से मनमुटाव हुआ है दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं या सोशल मीडिया पर जिस भी कारण से एक दूसरे को अनफॉलो कर दिए हैं उन सारे मनमुटाव झगड़े और विवाद का असर अब इन इन दोनों के आने वाली नई फिल्मों पर भी दिखेगा चाहे वो फिल्म प्रेम की पुजारण हो या गॉड हो या फिर खिसारी यामिनी की आने वाली नई फिल्म अवैध हो जिसकी शूटिंग यूपी के सोनभद्र में की गई है अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि खिसारी और यामिनी सिंह के बीच इन दिनों जो भी विवाद चल रहे हैं उसका सीधा असर इन दोनों के बड़े फिल्मों पर कैसे दिखने वाला है लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम अडौली पांडे मेरे साथ कैमरा मैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंग गॉडफादर अवैध प्रेम की पुजारन ये सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें खेसारी लाल यादव के ऑपोजिट भोजपुरी अभिनेत्री यामिनी सिंह नजर आई हैं और जहां तक मेरी जानकारी है मेरे हिसाब से इन तीनों फिल्मों की शूटिंग लगभग लगभग पूरी हो चुकी है और इन तीनों फिल्में उस वक्त बनाई गई हैं जब खेसारी यामिनी का रिश्ता आपस में बिल्कुल ठीक था दोनों एक साथ लगातार काम कर रहे थे खिसारी अपने बैक टू बैक फिल्मों के लिए यामिनी सिंह को साइन करवा रहे थे उस वक्त खिसारी के जितने भी गाने आते थे वो सारे गाने लगातार यामिनी सिंह के साथ आते थे जबकि खिसारी के फैंस यामिनी सिंह को लगातार खिसारी के साथ देखते देखते वो भी हो चुके थे खिसारी के, के फैंस बार बार खिसारी से ये डिमांड भी करते थे कि खिसारी लगातार यामिनी सिंह के साथ काम ना करें वो अलग अलग नई नई मॉडल्स के साथ भी नजर आए क्योंकि कहीं ना कहीं खिसारी के, के फैंस को यामिनी सिंह खिसारी से उम्र में बड़ी लगती थी और फैंस को ये लगता था कि खिसारी और यामिनी यामिनि की जोड़ी आपस में बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठती है ये दोनों एक दूसरे से उम्र में बड़े छोटे हैं यहाँ तक की यामिनी खिसारी से हाइट में भी बड़ी लगती थी खिसारी उनके सामने छोटे बच्चे लगते थे इसके बावजूद भी फैंस की इन सारी बातों को इग्नोर करके खिसारी लगातार यामिनी सिंह के साथ काम कर रहे थे लेकिन अचानक से यामिनी और खिसारी लाल यादव की जोड़ी तब बिखर जाती है जब लखनऊ में फिल्म फेयर अवार्ड शो होता है और उस अवार्ड शो में एक तरफ जहां यामिनी सिंह प्रदीप पांडे चिंतू के साथ नजर आती है वहीं खिसारी लाल यादव काजल राघवानी के साथ नजर आते हैं अवार्ड शो के बाद एक से बढ़कर एक तस्वीर और वीडियो बाहर आता है लेकिन खिसारी यामिनी की एक भी तस्वीर साथ में नजर नहीं आती है वहीं से फैंस को कहीं ना कहीं डाउट शुरू होने लगता है फैंस को लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि अवार्ड शो होने से एक महीने पहले तक खिस की एक साथ कहीं भी नजर नहीं आते हैं न इनका कोई गाना आता है इनकी साथ में कोई तस्वीर भी बाहर नहीं आ रही थी उसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा भी होने लगती है कि यामिई और खिसारे ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया है जबकि एक वक्त में यामिनी खुद को खिसारी लाल यादव की बहुत बड़ी भक्त बताती थी वो खिसारे के लिए इतनी समर्पित रहती थी कि खिसारी लाल यादव का हमेशा गुणगान करती थी लेकिन अचानक से ऐसी खबर भी सामने आती है कि यामिनी ने खिसारे को पर अनफॉलो कर दिया है खेसारे की टीम मेंबर्स भी यामिनी को कहीं न कहीं अनफॉलो कर दिए थे अब ये सब क्यों हुआ इसके पीछे का ठोस कारण अब तक तो पता नहीं चल पाया है लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि यामिनी सिंह खिसारी को छोड़कर प्रदीप पांडे चिंटू के साथ फिल्म करने लगी और खिसारी और प्रदीप पांडे चिंटू का आपस में बिल्कुल भी बन, बनता नहीं है इन दोनों का आपसे रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यही बात खिसारी को अच्छी नहीं लगी जबकि यामिनी सिंह का कहना है कि खिसारी सर अगर हमको लगातार नहीं देंगे हमको अपने साथ काम करने का मौका नहीं देंगे वो चाहेंगे कि सिर्फ हम उनके साथ काम करें तो ऐसे में हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे हमको किसी न किसी के साथ तो काम करना पड़ेगा ही अब इनकी विवादों का प्रभाव उनकी फिल्मों पर कैसे पड़ेगा वो आपको बता दे तो आपको बता दे कि खिसारी लाल यादव और यामिनी

जबकि कायदे से देखा जाए तो होना यह चाहिए था कि विवादों को साइड रखकर यामिनी सिंह को प्रेम की पुजारण पहले पोस्टर का प्रमोशन करना चाहिए था था अपने सोशल मीडिया पर शेयर शेयर चाहिए था। लेकिन यामिनी से नाराज चल रही हैं इसलिए वो जानबूझकर फर्स्ट लुक को कहीं भी शेयर नहीं करती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि अगर यही हाल रहा यामिनी सिंह ऐसे ही करेंगी तो यामिनी खिसारी के, के आने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी नई फिल्में हैं चाहे वो गॉडफादर हो अवैध हो प्रेम की पुजारण हो उन सारी फिल्मों पर इनके विवादों का इनकी लड़ाइयों का प्रभाव जरूर पड़ेगा और हो सकता है फिल्म भी फ्लॉप हो जाए बाकी आपको क्या लगता है आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फिलहाल वीडियो को पर समाप्त करते हैं मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में धन्यवाद